सिद्धिपुर में ये भजन तिकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो का वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई पंडित रोहतास, डीजे साउंड जनूथर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई मोनू शर्मा जी, खेड़ा हाजीपुर मई खंदौली आगरा से पेड़ की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं। बड़े भाई घनश्याम जी रूपा से और झीका बजा रहे हैं। आदरणीय मेरे भाई गोपाल छोकर नगला संजय राव जी से और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर और निवेदन करूंगी आदरणीय पूजनीय श्री उमेशानंद जी महाराज जी, जो हमारे गांव के हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं भागवत के, वो शीघ्र से शीघ्र मंच पर आए। आदरणीय उमेशानंद महाराज जी जय हो। और शंकर भजले तू विष्णु भजले और तू भजले पूछरी बोलो ठाहे और ईमानदारी ते बतइयो सबन ने गंगा जी की सौगंध है पूछरी को लोटा कौन कौन देखो हाथ उठा के बताओ सबन ने देखो तो एक बार जयकारा लगा दियो बोल पूछरी के लोटा की देखो कछु ने हाथ उठाए कछु ने ना उठाए कहते हैं जो जितना ऊपर हाथ उठाता है ना उतना ही जल्दी ऊपर जाता है और यह बात है तुम सोच लो एक बार ऐसे जयकारो लगा दो जैसे हमारे ब्रज में जयकारो लगाए का है रोहतास भैया दो हाथों ने उठा के बोल गिरिराज महाराज की और कहा ए और ले शंकर भजले तू विष्णु भजले और तू भजले पूछरी को लोठा है और ले काहे इत बित लुढ़की रहो है जैसे और बिन पेदी को लोटा है शंकर भजले विष्णु भजले भजले पूछरी को लोटा है भैया इंसान को चेतावनी दे रहा है कभी और कह रहा है क्या अरे जो तू अपनी क्या अरे जो तू अपनी जो तू अपनी मुक्ति चाहे जो तू अपनी मुक्ति चाहे छोड़ कर्म तू खोटा है वरना क्या होगा अरे यम के दूत पकड़ ले जामे तेरी परी पीठ पे सोता है जब कह रहा है कवि सोमी ताऊ अरे ओ जरा और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से आया है बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी और 1 से 1 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे सोमी ताऊ जी दे रहे हैं जो एटा मैनपुरी से पधारे और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मोहन सिंह प्रधान जी दे रहे हैं नगला लोका से सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी और 200 रुपए का पुरस्कार ज्ञान सिंह जी घड़ी महाराज उनकी तरफ से आया है सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी सुनिए कहा ए अरे ओ जरा और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ओ जरा ए जरा मत वाले इंसान माटी में मिल जाएगा और देख अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी भस्मी तेरी पड़ी रहेगी भंगी कफन उठाएगा और
सुना कहता है क्या? और 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे ताऊ जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और 51 रुपए का पुरस्कार दादा साहब की तरफ से, और 51 रुपए का आशीर्वाद लाल, 1 से 1 रुपए का पुरस्कार लाला के बाबा दे रहे हैं। एक बार ताली बजा दो। श्री कहा हे, जिसको तू अपना कहता है काम न वो भी आएगा। और अरे धन दौलत, ये धन दौलत, हाँ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। मगर और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारी छोटी सी बहन दे रही है, एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान दे। और दे, जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा भैया, अरे जिस दिन तेरा ये दम निकलेगा, और 500 पहले बे 500 ने बोलू के ना बोलू बिन तो जान दियो। 500 रुपया हमारे भूपेंद्र भैया ने वो कबना में दे दे, अब बे तो कमरा के है गे, अब यहाँ के तो अलग बोलेंगे। 500 और दे दो 11 सह जाएंगे। सुनिए कहा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, और बाबा हो बाबा, हाँ बाबा हंस अकेला जाएगा। तो जरा मतवाले क्या बात है भैया, ध्यान रखें। ऐसा कोई प्रसंग, रुपया देने तो सूदे सूदे दे, खुले काऊ ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई कथा, ऐसा कोई जिक्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। विद्वानों कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, बस कहने वाले के ढंग, गाने वाले की गायकी अलग अलग हुआ करती है। बात तो समय की है। एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। आहा विद्वानों, रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य, एक नजारा देख लिया। भैया कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, जाने गागर शीस उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामनी वा गंगा तट पे। देखो दृश्य किनारे जाके, देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया आपको प्राण गवावे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। विद्वानों, उस चिता में अपने प्राणों को देना चाहता है। और जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, मोनू भैया होता क्या है, कहा कैसे, अब ले देखो दृश्य और दंग भई मन में, द्रोप सुता को लाई है और ले बैठो पीर, बैठो पीर चिता के अंदर अग्नि रयो लगाई है, बैठो पीर चिता के अंदर। जवाब भैया, छोड़ चली रे पांचाली जानी, क्या गाकर छोड़ चली रे पांचाली।
हरी कहे हरी कहे नानहु को अपनी ₹50 पुरस्कार हमारे चाचा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वानों ने लिखा मोनू भैया तस्वीर आईने में अपनी पत्थर भी पिघलते हैं दिल में पर नमी दिखाई। अगर शब्द समझ में आ रहे तो पिछले शब्द बोल दे कर जाते तुम्हें आनंद ना तोरे और हम आनंद ना तोरे। भैया कह रहा है कभी क्या ए तस्वीर आईने में अपनी गंजा भैया जब समी दिखाई नहीं देती और पत्थर भी पिघलते है दिल में पर नमी दिखाई नहीं देती और जो खुद को खुदा खुद को खुदा खुद को खुदा समझते हैं क्या जो खुद को खुदा खुद को खुदा खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती। और अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। जो खुद को खुदा समझते हैं खुद कमी दिखाई नहीं देती। और दादा जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें जमीन दिखाई देती जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें जमीन दिखाई नहीं देती। रणवीर प्रधान जी रणवीर प्रधान जी उनकी तरफ से ₹551 का पुरस्कार एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान जो खुद को खुदा रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बना करके बैठा है और ₹501 का पुरस्कार लाला के बाबा दे रहे। एक बार ताली बजा दो। गांव गंडीपुर है सुकारत हुई है वो प्रोग्राम ₹500 उधार रह गए तुम पे लाओ बिल्ली पैसा पैसा का मन मैं देखो सुनिए। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई और जाकर के उस व्यक्ति से कह रही अरे पापी अरे अरे परमात्मा ने कितना सुंदर स्वरूप दिया है और तू मरना चाहता है ऐसा कौन सा अपराध किया है तूने। देखिए रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह क्या रही जो चिता बना करके बैठा है। मोनू भैया कहा कैसे चिता में तू आसन है मारे अरे बाब रे हाय बाब रे और ऐसो कहा बनुआ तो थे रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है ए रे कैसे बैठो है क्या
हो वारे हम बे वारे आए हाय वारे परदेसी ओहो वारे हम बे वारे आए हाय वारे परदेसी ऐसी कहानी ती है गई संग